मामा हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हम सुपरमार्केट जा रहे हैं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मामा मुझे भी चीज लेनी है। ओके मरवा, अभी जाके लेते हैं, ठीक है? ओके। चलो बच्चों जल्दी जल्दी चलो, जल्दी से आ जाओ। बच्चों स्कूटर अंदर अलाउड नहीं है, तो आप यहीं पे पार्क कर लेना, ठीक है? ओके। चलो आ जाओ, इधर ही पार्क कर लो, इधर ही पार्क कर दो स्कूटर। इधर आए हैं। बच्चों मैं चिकन लेने लगी हूँ, तो आपको जो भी लेना है जाके ले लो, ठीक है? अब्दुल रहमान से भी कह दो। ओके मामा। क्या कर रहे हो? मरवाई देखो। मामा कह रहे जो लेना आपने ले लो। चलो मामा कुछ खाने के लेते हैं। चलो अब तुम्हें चुप है। मरवा हम यहाँ से चिप लेते हैं। मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। आप क्या लोगे मरवा? आइडिया मैं वहाँ से देखती हूँ। कहाँ चलेगी मरवा? चॉकलेट नहीं, मुझे मुझसे मेरा दांत खराब होता है। मुझे पता क्या लेना। ये तो फ्रूट्स लूंगी, इससे तो मेरे दांत भी नहीं खराब होंगे। मैं तो ये लूंगी ओनली, और ये मजे का भी होता है और ये हेल्थ का भी। चलो अब तो मैं आपको पूछती हूँ। तो और ही होगा। अब्दुल रहमान ये देखो मैंने क्या लिया। ये देखो मैंने ओरियो लिया। मेरे फ्रूट्स लिए हेल्दी एंड यम्मी। मेरे फ्रूट अच्छे नहीं लगते मरवा। अब्दुल रहमान आप भी फ्रूट ले लो, फ्रूट हेल्दी होता है। मैंने नहीं लेना फ्रूट्स। एंड जंक फूड अच्छा नहीं होता। पर मुझे ये यम्मी लगता है। तो मैडम जंक फूड से सिक को लोगे, जंक फूड अच्छा नहीं होता, आपके साथ टीथ भी खराब हो जाएंगे। मेरी बात मान लो, जंक फूड छोड़ दो। मैंने तो शॉपिंग कर ली, अब मैं बच्चों को देखूं कहाँ चले गए हैं। आपको अपने पेट में भी दर्द होएगी। अब से क्या रही हूँ। ठीक है मैम, जंक फूड ले लूंगा। चले बच्चों, ले लिया आपने सब? जी मम्मा सब ले लिया। बाबा। जी बेटा क्या बात है? बाबा मुझे कुछ खाना है। क्या खाना है आपको? कुछ यम्मी से खाना। कुछ यम्मी सा? जैसे के? जैसे से आइसक्रीम। बाबा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आपको भी आइसक्रीम खानी है? बेटा मामा खाना बना रही हैं। अगर आप लोग आइसक्रीम खा लोगे तो फिर खाना कौन खाएगा? आप लोगों की तो भूख खत्म हो जाएगी। प्लीज बाबा मुझे आइसक्रीम खानी है। बाबा आइसक्रीम को रिटेल कर रहे हैं। नहीं बच्चों अभी खाना खाने का टाइम है, तो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है? मामा क्या बना रही है? पता नहीं बच्चों, जाओ मामा से पूछ लो जाके। चलो मामा की बात सुनते हैं। चलो बच्चों, मम्मा मुझे भूख लग रही है। ओहो अच्छा। मम्मा आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं आप दोनों के लिए सब्जी बना रही हूँ। ओह नो मम्मा, मुझे सब्जी नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा बच्चों, फिर ये बताओ कि आप दोनों को क्या पसंद है? मम्मा मुझे किचन पसंद है। किचन नहीं, चिकन। और मुझे पसंद है चिकन बर्गर। और मुझे पिज्जा। अच्छा और क्या पसंद है आपको? मुझे भी पास्ता पसंद है। मुझे पसंद है फ्रेंच फ्राइज एंड नेक्स्ट।
लेकिन बच्चों ये सारी चीजें तो हेल्दी नहीं होती। मम्मा ये सब चीजें तो बहुत यम्मी होती हैं। यस मम्मा। चलो फिर ऐसा करते हैं, मैं आप दोनों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ स्टोरी। हाँ स्टोरी। चलो अंदर चल के एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। चलो आ जाओ बच्चों। ओके अच्छा बच्चों, तो स्टोरी ये है कि दो फ्रेंड्स होते हैं जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते होते हैं, और एक दफा उनके स्कूल में रेस का कंपटीशन हो जाता है। कौन सी मामा साइकिल रेस? कोई स्कूटर रेस? नहीं, भागने वाली रेस। अच्छा मम्मा। हाँ, तो रेस में कंपटीशन लेने से पहले दोनों फ्रेंड्स अपनी सेहत का ख्याल रखने लग जाते हैं ताकि वो रेस वाले दिन सही तेज भागे और रेस भी जीत जाए। तो उनमें से जो एक दोस्त होता है वो बहुत सारा चिकन खाना शुरू कर देता है। चिकन, चिकन बर्गर्स, चिकन पास्ता, चिकन पिज्जा, गोश्त वाली चीजें, मटन वाली चीजें, वो बहुत सारा गोश्त और चिकन खाने लग जाता है ये सोच के कि शायद वो रेस वाले दिन ज्यादा तेज भागेगा और वो रेस जीत जाएगा। जो दूसरा फ्रेंड होता है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खाने लग जाता है ये सोचकर कि वो रेस में बहुत फास्ट भागेगा और रेस जीत जाएगा। और दोनों फ्रेंड्स मिलकर अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं। फिर क्या हुआ मम्मा? कौन विनर हुआ था मम्मा? बच्चों, जो फ्रेंड बहुत ज्यादा चिकन और मटन खाता था वो तो रेस से पहले ही बहुत मोटा हो गया, और जिस दिन रेस थी उस दिन उस मोटे से भागा ही नहीं गया और वो रेस में हार गया। और जो फ्रेंड बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खाता था वो रेस वाले दिन बहुत हेल्दी था और बहुत एक्टिव था, और वो इतना तेज भागा कि वो रेस ही जीत गया। अब मुझे आप दोनों बताओ कि आप लोग जंक फूड खाकर मोटे और अनहेल्दी होना चाहते हो, या वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खाकर हेल्दी और एक्टिव बनना चाहते हो? बताओ। मामा आज के बाद मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी, हेल्दी फूड खाऊंगा, फिर हम हेल्दी हो जाएंगे। गुड जॉब। हम सब लोग बच्चे के साथ खेलेंगे। ये हम जीत जाएंगे। अब आज से आप दोनों सिर्फ हेल्दी फूड खाओगे ताकि आप दोनों हेल्दी और हमेशा एक्टिव रहो। हाँ, जंक फूड कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा खाना आपके लिए हेल्दी नहीं होता। चलो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप दोनों खेलो। ओके चलो जाओ खेलो जाके। सरेश जी, बच्चे कहाँ हैं? मरवा अब्दुर्रहमान, वो दोनों बाहर खेलने गए हैं। अच्छा। बाहर कौन आ गया? चेक करती। अच्छा, ओ मरवा अब्दुर्रहमान, आप दोनों? जी मामा, हम वापस आ गए। चलो अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। बच्चों इतनी जल्दी आ गए खेल कर, अभी तो गए थे आप दोनों खेलने। क्या बात है बच्चों, आप दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? मम्मा कोई बच्चा नहीं आया था। जी मम्मा, कोई भी नहीं आया था। कोई नहीं आया? जी मम्मा, कोई बच्चा नहीं आया आज खेलने के लिए। अच्छा बच्चों, वो क्यों? सारे बच्चे घर पे थे। हमने सबकी मामा से पूछा, सबकी मामा ने कहा कि बच्चे सिक हो गया, इसलिए कोई भी नहीं आया खेलने। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अब आप दोनों आराम से खेलो, ठीक है? घर पे खेलो। ये देखो, put it back. No, so loud. मरुआ, पर आप कुछ खाओगी? जी अब्दुर्रहमान, फ्रिज में चॉकलेट भरी चॉकलेट। हम दोनों चॉकलेट खाएं? ओके मरुआ, मैं अभी तक से चॉकलेट खाता हूँ।
जल्दी सिखाओ, वन मोर सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है अब्दुल रहमान, मुझे बताओ। मरवा में देखा था। क्या देखा था आपने? देखा था कि फ्रिज में 7 अप है। 7 अप? ठंडी ठंडी है मरवा। जाओ अब्दुल रहमान लेकर आओ। चॉकलेट भी खाते हैं, 7 अप भी पीते हैं, फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है मैं आ बैठू, मैं लिखता हूँ। ठंडी तो हम इसको खोलते। ये फ्रिज क्यों खोला? मरवा, अब्दुल रहमान, क्या कर रहे हो आप दोनों? हाँ, क्या कर रहे हो बच्चों? क्या खा रहे हो बच्चों? मम्मा स्नैक्स खा रहे हैं। स्नैक्स या जंक फूड? ये कहाँ से लिया आप लोगों ने बच्चों? मम्मा ये तो हमने फ्रिज से लिया। फ्रिज में पड़ी वो। गलत बात बच्चों, ये 7 अप तो आप लोग बिल्कुल नहीं पियोगे। ओके, अब आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना। आपको पता है कि आज आप लोगों के सारे फ्रेंड्स खेलने क्यों नहीं आए? वो क्यों मम्मा? वो इसलिए क्योंकि सबके सब बच्चे बीमार है। मम्मा सब सिक है। तो सबको क्या हुआ? सब बच्चों को फ्लू हो गया, क्योंकि ये फ्लू का सीजन चल रहा है, इसीलिए सब बच्चों को बुखार, नोजी, खांसी, ये सब कुछ हो रहा है। ना तो बच्चे सही तरह से स्कूल जा रहे हैं, ना वो खेल सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं। पता है कितना मुश्किल हो गया है। अब अगर ऐसे मौसम में आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो आप दोनों तो ज्यादा सिक हो जाओगे। आप दोनों ने इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ना ही ठंडे पानी को और ना ही कोल्ड ड्रिंक्स को। मम्मा इन सब चीजों से सिक हो जाता है। फ्लू में तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा बीमार कर देंगी, फिर तो आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगे। ये तो सब तो यम्मी होती है, यम्मी और ठंडी ठंडी भी लगती है। मुझे पता है कि ये चीजें आपको बहुत यम्मी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यही चीजें आपको ज्यादा बीमार करती हैं, और फिर जब आप लोग सिक हो जाओगे तो आपको कोई फ्रेंड आपके साथ खेलने के लिए भी नहीं आएगा, फिर तो आप लोग कितना बोर हो जाओगे ना। फिर हम क्या खाएंगे मामा? बच्चों हमें ऐसे मौसम में सिर्फ विटामिन सी वाली चीजें खानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। विटामिन सी? जी बच्चों, विटामिन सी। वो क्या होता है मामा? विटामिन सी आपके अंदर जितने भी बीमारी वाले जर्म्स होते हैं ना, उनको खत्म करने में हेल्प करता है। विटामिन सी कौन सी चीजें होती है मम्मा? बच्चों विटामिन सी होता है फ्रूट्स के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है खट्टे वाले फ्रूट्स में, लाइक ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, बेरीज जितनी भी होती हैं, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, इन सब में बहुत सारा विटामिन सी होता है। मामा कीवी भी? जी मरवा, कीवी भी। इन सारी चीजों में बहुत सारा विटामिन सी होता है। मामा हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी नहीं खा सकते? नहीं बच्चों, आइसक्रीम को भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जब तक सब सिक हो रहे हैं तब तक इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना। जब आप ये सारे फ्रूट्स खाओगे तो ये सारे फ्रूट्स आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे, फिर आप इतनी जल्दी सिक भी नहीं होगे। ओके मामा। गुड जॉब, समझ आ गई ना? चलो अब मैं आपके लिए जाके फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा, ओ मरा आपको क्या हुआ? पता नहीं अब्दुल रहमान। अच्छा, ऑप्सीज ये लो। इनको भी फ्लू हो गया। ओह नो।
Hi friends, this is Sehresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.